आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नहीं मैडम, तो बदला लेना चाहिए और इस पे बहुत कड़ी मतलब कदम उठाना चाहिए भारत सरकार को। आपको पता है वो बोलते नहीं है, वो काम करके दिखाते हैं। अच्छा। बोलना उचित नहीं होता हमेशा, हर चीज़ को बोलना अच्छा नहीं होता है। अच्छा। अगर जो आदमी चुप होता है वो समझिए कि आगे तक बहुत कुछ कर सकता है। भारत सरकार इस पर प्लानिंग से तैयारी कर रहा है और इसके बाद आप देखना, आते ही रहेंगे आप, इसके बाद आतंकवादी हमला नहीं होंगे। बहुत कड़ी सजा मतलब कदम उठाएगा भारत सरकार। हम सोच रहे हैं कि भाई चलो आप ठीक ठाक रहो, अगर हमने कहीं अपना कदम उठा दिया तगड़ा वाला तो शायद पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाएगा वो। उनके पास इतना ही पार्टी हैं कि पता नहीं कि प्रधानमंत्री उनमें बनेंगे कौन, अभी तक डिसाइड हुआ है। रोज़ हम उन पर कुछ ना कुछ बहस होते रहता है, समझ गए। तो अभी ऐसा कोई बात नहीं, उनमें कोई डिसाइड नहीं हुआ। अब दूल्हा कौन बनेगा, राहुल गांधी बनेंगे, अखिलेश यादव बनेंगे, कि शायद बुढ़ापे में लालू प्रसाद यादव बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जिस तरह से अनंतनाग में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे देश के 4 जवान शहीद हुए हैं, उस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि बदला लिया जाएगा। जिस तरह से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वैसे फिर से की जाएगी, तो क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, आतंकवादियों का भी वही हश्र होगा जो हमारे जवानों के साथ उन्होंने किया? नहीं मैडम, तो बदला लेना चाहिए और इस पर बहुत कड़ी मतलब कदम उठाना चाहिए भारत सरकार को। हाँ। और जिस तरह से वो बार बार हैवी हो रहे हैं, बार बार हमारे फोर्स को मार दे रहे हैं। हाँ। जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं उनके रहम में हम लोग अच्छा से चल रहे हैं। हाँ। वो बॉर्डर पे रहते हैं, हम यहाँ पे कमाते हैं, ठीक है, जवानों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से उनकी शहादत हो रहा है, इस पर भारत सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए और इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन जब मोदी सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मैं आतंकवाद को ख़त्म करूंगा, क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने उस वक्त बोला था क्या वो हुआ है, क्या आतंकवाद ख़त्म हुआ है? हो रहा है मैडम, ख़त्म हो रहा है। उनने मारा तो उन्हें भी मारा, ऐसा बात नहीं है। मारा तो उनको भी, घेर के मारा, समझ गए। तो ऐसा बात नहीं है, कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हमले तो फिर भी हो रहे हैं। हमले तो मैडम देखिए, एक बैग मतलब ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इस तरह से जो हो रहा है तो एक बार भारत सरकार को बहुत कड़ी कदम उठाना चाहिए। जैसे हमारे वो अभिनंदन को उन्होंने कैप्चर किया था, तो मोदी जी ने धमकी दिया था कि 9 बजे कुछ भी हो सकता है, उनको पता चल गया था। तो उस तरह से एक बार फिर इनसे इनको उससे भी कड़ी मतलब अपने आप को कठोर कदम कठोर बिल्कुल उठाने पड़ेगा मैडम, तभी जाकर मानेंगे। तो क्या लगता है, सुबह में आतंकवादी हमला हुआ, शाम को यहाँ पे जो उनका G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का वो जश्न मनाया, जश्न मना रहे थे, बोला कुछ नहीं, श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं बोले पीएम मोदी ने, जिस पे विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे। मैडम वो आपको पता है वो बोलते नहीं है। हाँ। वो काम करके दिखाते हैं। अच्छा। बोलना उचित नहीं होता हमेशा, हर चीज़ को बोलना अच्छा नहीं होता है। अच्छा। अगर जो आदमी चुप होता है वो समझिए कि आगे तक बहुत कुछ कर सकता है। हाँ। इसीलिए बोल के क्या करना है, विपक्ष वालों को तो कुछ पता नहीं है। हाँ। अगर उनको सच बात भी बोलेंगे, जैसे उनने बोला था कि भैया हमने उनको इतना मार दिया पाकिस्तान में जाके, तो विपक्ष वाले बोलते कि सबूत लाओ, तो उनके सामने भोकने से क्या फायदा है? आपकी बार सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो फिर से सबूत मांगेंगे? इस बार तो मैडम पता भी नहीं चलेगा क्या होगा, सबूत फिर मांगेंगे? बिल्कुल कोई सबूत नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा। इस बार मेरे हिसाब से लगता है कि जो भी आतंकवादी उग्रवादी हैं वे सुधर जाएंगे। आपको लगता है जो आतंकी होते हैं या जिनकी जो सोचने की क्षमता होती है उसी तरह से होती है, क्या वो चेंज कर पाएंगे? भारत सरकार इस पर प्लानिंग से तैयारी कर रहा है और इसके बाद आप देखना, आते ही रहेंगे आप। हाँ। इसके बाद आतंकवादी हमला नहीं होंगे। बहुत कड़ी सजा मतलब कदम उठाएगा भारत सरकार और इसके पीछे लगे हुआ है। कदम तो पहले भी उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी की थी, पहले में अब में क्या ही फर्क होगा, वैसे ही होगा जैसे पहले किया था, तो पहले ही होने के बाद भी नहीं हटके। इस बार उससे भी ज़्यादा कठोर कदम उठाएंगे, और बार बार जिस तरह से हमला हो रहा है तो अच्छा नहीं है, पाकिस्तान को सोचना भी चाहिए। हम सोच रहे हैं कि भाई चलो आप ठीक ठाक रहो, अगर हमने कहीं अपना कदम उठा दिया तगड़ा वाला तो शायद पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाएगा वो। अच्छा, पाकिस्तान साफ भी? बिल्कुल साफ हो जाएगा मैडम। अच्छा। एक दिन भी नहीं लगेगा सफाई करने में। हमले हुए तब तो सफाई नहीं की, अब क्या ऐसा हो जाएगा? होगा, इस बार बिल्कुल कड़ी कदम उठाएगा भारत सरकार ने। हाँ। सोच लिया मोदी जी ने और बिल्कुल बिल्कुल कड़ी कदम उठाएगा। और जिस तरह से हमारे फोर्स पे हमला हो रहा है तो ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है, इसका पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए भारत सरकार को। हाँ। और
बातों से जवाब देना चाहिए और बात को साथ अपने फौज को भी लगाना चाहिए और लगाएंगे, क्योंकि हल्ला करने से विपक्ष वाले बोलेंगे सिर्फ आप हल्ला करते हैं। अच्छा। आपने भी 70 साल हल्ला किया, कुछ नहीं किया। हाँ। लेकिन 9 साल में जो मोदी सरकार किया है वो सबको दिख रहा है। हाँ। और इस बार जो उनके ऊपर कार्रवाई होगा ना, वो पूरा देश देखेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, G20 शिखर सम्मेलन हमारा हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, उस पर विपक्ष ने एक बात नहीं बोली, लेकिन हमला होते ही वो बोलना शुरू हो गए, क्या वजह है? उनके पास बचा ही क्या है जो बोलेंगे? हाँ। उनके पास इतना ही पार्टी हैं कि पता नहीं कि प्रधानमंत्री उनमें बनेंगे कौन, अभी तक डिसाइड हुआ है। हाँ। रोज हम उन पर कुछ ना कुछ बहस होते रहता है। हाँ। समझ गए, तो अभी ऐसा कोई बात नहीं, उनमें कोई डिसाइड नहीं हुआ। हाँ। अब दूल्हा कौन बनेगा, राहुल गांधी बनेंगे, अखिलेश यादव बनेंगे, कि शायद बुढ़ापे में लालू प्रसाद यादव बनेंगे, अब कुछ नहीं पता चल रहा मैडम, अभी। अच्छा। उनका डिसाइड ही नहीं हुआ है। अच्छा। वो हमारा तो डिसाइड है ही, आपको पता है। आपसे फूट पड़ी हुई। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से चर्चा का विषय रहा, रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि जो है फिर से वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी जैसे पहले की गई थी। जिस तरह से हमारे देश के जवान थे वो शहीद हुए हैं, उस तरह से आतंकवाद को भी हम खत्म करेंगे। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।